कोर इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ देयर इज ड्रामा, देयर इज इमोशन, देयर इज अ लॉट ऑफ लव. आई थिंक कि आज की तारीख में हम, जैसे कि अगर आपने हमारा दूसरा ट्रेलर देखा है, उसमें मैं कहती भी हूँ कि मुझे अपना एक घर चाहिए. नमस्कार, 24/7 ताजा समाचारे समस्त दर्शक के एवं पाठक देर जानाई अनेक अनेक शुभेच्छा, भालोबाशा, खूब भालो थाकुन, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट. 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं. 24/7 ताजा समाचारे समस्त दर्शक के जानाई अनेक अनेक शुभेच्छा. 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के जानाई आंतरिक शुभेच्छा. प्लीज 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 अपना আমার জুবলি, যেটা অলরেডি খুব ভালো লাগছে সবাই, আই এম সো ব্লেসড, আই এম সো হ্যাপি. আপনারা যারা এখনো দেখেননি, প্লিজ ওরা দেখবেন প্রাইম ভিডিওতে. থ্যাংক ইউ সো মাচ, লাভ ইউ. সবাইকে জানাচ্ছি নববর্ষের শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ভালো থাকবেন, লাভ ইউ. Exclusive jewelry collection, DTC London dwara best showroom award winner, RR Agarwal Jewelers, Kolkata Jaipur ke baad ab Rourkela mein bhi. RR Agarwal Jewelers, rishta bharose ka. आगामी 2 जून को रिलीज होने वाली है सारा अली खान और विक्की कौशल अभिनीत फिल्म जरा हटके जरा बचके. इस फिल्म के निर्देशक लक्ष्मण उटेकर हैं. रोमांस, ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म में कपिल का किरदार विक्की कौशल और सौम्या का किरदार सारा अली खान ने निभाया है. हाल ही में सारा अली खान अपनी फिल्म के प्रचार के लिए कोलकाता आई थी. आइए सुनते हैं सारा ने अपनी फिल्म और महानगर के बारे में बातचीत करते हुए क्या कहा. Honestly, I've been to Calcutta only once before for Durga Puja, actually. So it's lovely. I think that there's been a lot of warmth. This is my first stop, but bahar, showroom ke bahar, bahut zyada pyar mila logo se. Aur ab umeed hai ki aage jaake bhi mujhe main kuch ke khaungi. Aur jal muri, dahi se jal muri na, wo aap logon ka bhel hota hai na. Haan, to bhel hi hota hai. मुझे बहुत पसंद है. और अभी आज थोड़ा घूमना चाहूंगी, थोड़ा देखना चाहूंगी, सो दैट आई कैन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस द वॉर्मथ एंड लव दैट आई नो इज द पल्स ऑफ योर सिटी. मैं एक एक्टर हूँ, तो एक्टर बतौर मतलब वेरियस कैरेक्टर्स यू प्ले, यू नो, सो फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन अबाउट एक्सपीरियंसेस. कि मैं जितनी ईमानदारी से अपने किरदारों को निभा पाऊँ, जितनी पूरी तरह हर एक्सपीरियंस को जी पाऊँ, वो आज जैसे मैं यहाँ आई हूँ, आई एम सो लकी, आई एम सो लाइक थ्रिल्ड टू सी ऑल ऑफ यू हियर इन कैलकटा, बट आई एम इक्वली थ्रिल्ड टू गो एंड ईट माय पुचका, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो मेरे लिए एक होलसेल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, और मुझे लगता है कि कैम में जाके मुझे वैसा जरूर लगा, तो मजा आया बहुत. सारा, आपकी फिल्म आ रही है जरा हटके जरा बचके, उसमें एक संयुक्त परिवार की कहानी दिखाई जा रही है, तो क्या कहना चाहिएगा? जी, मुझे लगता है कि चाहे टीवी सेट में आके आप शॉपिंग करें या आप जाके मूवी देखें, कुछ ऐसी चीजें होती है जो सपरिवार ही बेहतर होती है, और मुझे लगता है मेरी फिल्म ये दर्शाता है. जरा हट के जरा बच के, जो कि मेरी फिल्म है जो 2 जून को आ रही है, मुझे लगता है कि एक संयुक्त परिवार की कहानी पर आधारित है. लेकिन एट द कोर इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ देयर इज ड्रामा, देयर इज इमोशन, देयर इज अ लॉट ऑफ लव. आई थिंक कि आज की तारीख में हम, जैसे कि अगर आपने हमारा दूसरा ट्रेलर देखा है, उसमें मैं कहती भी हूँ कि मुझे अपना एक घर चाहिए. यू नो, आज की तारीख में देयर इज अ नीड फॉर स्पेस, देयर इज अ नीड फॉर योर ओन एरिया, एक अपना घर. लेकिन उसी के साथ साथ जो परिवार में जो प्यार मिलता है, जो एक संयुक्ता होती है, जो हाउ दे कम टुगेदर एंड हेल्प यू, तो दोनों के मतलब देयर पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, बट अल्टीमेटली फैमिली इज फैमिली, एंड आई थिंक कि वो हमारी फिल्म को दर्शाने की कोशिश. आपने कहा कि आपको एक घर चाहिए होगा जो दूसरे ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, लेकिन आप डिवोर्स की भी मांग कर रही हो, तो ये कोई सोल्यूशन तो होता नहीं है. देखिए, अभी सोल्यूशन तो आपको 2 जून को ही पता चलेगी. देखिए, हम लोग जरा हटके ही हैं, तो हमारे सोल्यूशन भी जरा हटके ही होंगे. तो आगे देखिए कि हम कैसे. तो इस फिल्म, ग्रैंडमदर इज फेवरेट फिल्म, आई थिंक वेल वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स ऑफ माय ग्रैंडमदर इज आराधना. हाल ही में शी डिड अ फिल्म कॉल्ड गुलमोहर, व्हिच आई थिंक वाज ब्यूटीफुल. सो या दोज आर सम ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स ऑफ हर्स. ऑल्सो एन इवनिंग इन पैरिस. व्हाट एल्स?
She did a film called Vidhur. I know you're asking me her favorite films, yeah. but no, you no, should ask her that. But these are my favorite films of hers. Sara, इस फिल्म के लिए आप राजस्थान गई थी और 170 लोगों की एक फैमिली साथ मिली, तो क्या अनुभव रहा होगा? कुछ शेयर करेंगी आप? बहुत अच्छा था. I think कि you know जब हम वहाँ गए थे, कुछ प्लान नहीं था कि हम लोग जाके क्या करने वाले हैं. लेकिन जैसे ही मैं एक लेडी से मिली, पहली चीज जो मैंने बोली उनसे, क्या मैं आपका रसोई घर देख सकती हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि रसोई घर में खाना ऑब्वियसली बनता है और प्यार भी वहीं से शुरू होता है. यू नो, यू मेक फूड फॉर द होल फैमिली. और मुझे इतना अच्छा लगा देखकर कि कैसे एक परिवार में 100 से ज्यादा सदस्य हैं, सो मच लव, सो मच कंपैशन, सो मच वॉर्म ऑल टुगेदर. और मुझे लक्ष्मण सर की सेट की याद आ गई, क्योंकि जब हम वहाँ शूट कर रहे थे बिल्कुल ऐसा ही था. हम सब साथ में खाते थे, हम सब साथ में काम करते थे. एंड आई थिंक दैट व्हेन यू डू थिंग्स दैट यू लव टुगेदर, व्हेदर इट्स फिल्म मेकिंग और फूड, यू नो, और फिल्म वॉचिंग, इट्स अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस एंड इट शुड हैपन इन अ कम्युनिटी. और मुझे ये लगता है कि इतने सालों बाद, जैसे आज मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ आप लोगों से मिल चुकी हूँ. ऐसा नहीं है कि कोविड के दौरान मैंने टीवी सेट का शूट नहीं किया. हम लोगों ने बहुत ही प्रिकॉशंस लेके, जैसे कि यू नो पीपी किट्स वगैरह में हम लोगों ने शूट किए थे. बट आई थिंक दैट एक जो एक कम्युनिटी का एक्सपीरियंस होता है, यहाँ आकर सर के साथ दिया जलाना, आप सब लोगों को मिलना, वैसे ही उसी संयुक्त परिवार में जाकर उन सब से मिलना, उन सब की जो आदतें होती है, कैसे अगर एक बंदा लड़ाई करता है किसी से, हाउ इट टेक्स 100 पीपल टू सॉर्ट आउट दैट फाइट, यू नो. तो आई थिंक दैट बहुत समय बाद, चाहे वो मेरी फिल्म के अंदर हो या चाहे वो आज हो, एक होलसम फुल व्हाट्स द राइट वर्ड, एक कम्युनिटी वाली फीलिंग बहुत समय बाद मुझे फील हो रही है. और उम्मीद है कि जब आप लोग मेरी फिल्म देखेंगे, आप लोगों को भी वो फील होगा. आई थिंक मोर देन एक्टिंग, माय ग्रैंडमदर एज अ वुमन इज द एपिटोमी ऑफ ग्रेस एंड ब्यूटी, व्हिच इज व्हाई आई थिंक टीवीज़ेड रेजोनेट्स सो स्ट्रांगली विद मी, बिकॉज इट्स द क्लोजेस्ट आई गेट टू फीलिंग ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल. टीवीज़ेड के लिए क्या शायरी बनाओ? फॉर एवरी त्योहार फ्रॉम ईयरिंग टू हार, सारा इज नॉट बेकरार, because TVZ is her best yaar. Sara aur Soumya kitni milti julti hai aapas mein? Sameer shaadi nahi hui hai abhi tak, fir bhi to ye ek bahut bada antar hai. Lekin I think ki parivar mein jo pyar hota hai, parivar ki jo ek ahmiyat hoti hai, sayukt parivar ke, main to main rehti nahi hu to mujhe andaaza nahi hai, lekin parivar ke sadasya to hai hi, to kaise badon se raaye leni padti hai, lekin kabhi kabhi kuch ताने भी मिलते हैं, कभी टोकना भी होता है, कभी रोकना भी होता है, प्यार भी होता है, इकरार भी होता है. तो आई थिंक दैट उस तरह से हम मिलते जुलते हैं. बट निजी जिंदगी में जो जो सौम्या की जिंदगी में हुआ है या हो चुका है, वो शायद मेरी जिंदगी में नहीं हुआ है, विच इज वाई आई एम सो लकी दैट आई हैड अ डायरेक्टर लाइक लक्ष्मण अथेकर सर, हु अंडरस्टैंड्स द पल्स ऑफ दिस कंट्री, अंडरस्टैंड्स द पल्स ऑफ the middle class of our country, who is our audience, that they are the people, this is their story. Kal jab main gaane ke launch par thi, to sir ne kaha tha ki ye aap logon ki kahani hai, aap log matlab aam janta, middle class, upper middle class, lower middle class, upper class, lower class, whatever, Indians as a whole, the story of family, the trials and tribulations of families, the ups and downs, the humor, the drama, it's a wholesome experience, I feel. विक्की कौशल के साथ काम करने का कुछ अनुभव बताएं. विक्की कौशल I think is the most giving actor. He's so talented, he's so versatile, he's so helpful. और उनमें मुझे अपने कपिल पूरी तरह से मिल गए थे. लेकिन सौम्य और कपिल जितना झगड़ते थे, unfortunately सारा और विक्की उतना नहीं करते. There's just love there. ब्यूरो रिपोर्ट 24x7 ताजा समाचार. आई एम अरुणिमा, 24x7 ताजा समाचार সকলকে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা. দেখতে থাকুন এক্সক্লুসিভ জুয়েলারি কালেকশন ডিটিসি লন্ডন দ্বারা বেস্ট শোরুম অ্যাওয়ার্ড উইনার আরআর আগরওয়াল জুয়েলার্স কলকাতা জয়পুর কে বাদ আব রাউরকেলা মে ভি আরআর আগরওয়াল জুয়েলার্স রিশতা ভরসে কা 24x7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা.